नहीं, मैं छोटे 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 पंचायतें, लेकिन वो इस मामले में हम करते नहीं है सर, और हम इसमें मदद भी नहीं करते, चाहे मेरी पुत्री हो, चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे मेरा कोई भी हो। हमारे साथ अभी पूर्व सांसद पुरुष आनंद सारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुरुष आनंद सारी मौजूद है, और इनसे जानेंगे ताजा राजनीतिक हालात के बारे में। जिला परिषद पंचायत का चुनाव हो रहा है मधुपुर में, ऐसे में इनकी बेटी चुनाव लड़ रही है और ये दिल्ली जा के लिए रवाना हो रहे हैं, बेटी की ना मदद करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक हालात है, जो चर्चे हैं, उन सारी चीजों के लिए विस्तार से मैं फुरकान अंसारी से जानूंगा। सर, कल चुनाव है पंचायत का, पंचायत में गाँव की सरकार बननी है, पंचायत की सरकार बननी है, ऐसे में बहुत सारे लोग चुनाव मैदान में अपने अपने मुद्दे और वादों को लेकर, क्या कहेंगे सर? नहीं, पंचायत का चुनाव होना बहुत जरूरी है, राजहित में भी और गांव के हित में भी। पंचायत चुनाव अगर नहीं हुआ तो फिर वो केंद्र से जो हमको धनराशि आती है और योजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वो बंद हो जाएगा। इसलिए हेमंत सोरेन जी ने यह चुनाव कराने का निर्णय लिया, चुनाव हो रहा है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द जो है पूरा पंचायत चुनाव सम्पन्न हो जाएगा और बढ़िया से हो जाएगा। ये सर, आपकी पुत्री सवाना खातून चुनाव मैदान में है, क्या आप उनकी मदद नहीं करें? नहीं, मैं छोटे छोटे पंचायतें, लेकिन हो इस मामले में हम पढ़ते नहीं है सर, है ना, और जाते भी नहीं हैं, और हम इसमें मदद भी नहीं कर सकते किसी को, चाहे मेरी पुत्री हो, चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे मेरा कोई भी हो, कहीं भी हम पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं करते। आज नहीं, कभी भी नहीं किया हमने। कहा नहीं सब, आप लोग अपना तय कर लीजिए किनको चुनना, कौन बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आप जानिए कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन खराब है, इसमें हम क्यों किसी की मदद करेंगे। राजनीतिक तापमान गर्म है और भाग संख्या 14 को लोग हॉट सीट मान रहे हैं, जहां मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद के नामों को जोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वोट का पोलराइजेशन हो रहा है। वो तो मेरी बेटी है, इसमें तय नहीं है, मेरी बेटी है वो, और मेरी बेटी है तो मेरा नाम जहाँ लोग बजाना चाहे, जहाँ इस्तेमाल करना करते रहे लोग, लेकिन मैं इस चुनाव में कहीं भी नहीं हूँ और ना इस चुनाव में मैं पड़ा हूँ अभी तक। लेकिन अब मैं, मेरी बेटी है तो क्या करेगा, एमपी की बेटी है, फुरकान साहब की बेटी है तो है, अब उसका लाभ उठाना चाहते हैं या नुकसान करना चाहते हैं, करा दीजिए आप जिसको जो करना है। और डॉक्टर इरफान अंसारी उसका छोटा भाई है, कैसे बहन के नाते वो भाई आएगा ही मदद करने के लिए। तो ये सब अपना लोगों का मामला है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि भाई लोग इस वोट को हिंदू मुस्लिम में बांट कर दे, मैं इसका विरोध करता हूँ। और खास करके जो बीजेपी के लोग हैं, अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए लोग, राजनीतिक असर पर खड़ा रहने के लिए लोग, हिंदू मुसलमान के सिवा बीजेपी को कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, चाहे राज्य स्तर हो, पंचायत स्तर हो, जिला परिषद का स्तर हो, चाहे भारत सरकार का स्तर हो, सब जगह इन लोगों का एक ही आधार है। मैन इन लोगों का आधार ये है कि हिंदू मुसलमान करो, वोट को पोलराइज करो, और मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करो, हिंदू वोट लेके जीत जाओ। इस बार जो है फिर भी यही गेम खेलने जा रहे हैं लोग, करेगा, जाहिर सी बात है, दूसरा कोई काम तो है नहीं लोगों के पास, नफरत फैलाओ, वोट ले लो, हिंदू मियां लड़ा दो, वोट ले लो हिंदू का, जीत जाओ। मियां ऐसे भी एक बकाता रहता है, लड़ते रहता है अपने में, लड़ो और इधर एक होकर वोट ले लो। लेकिन इस बार हमको लगता है कि मधुपुर जनता जो है इस बात को समझ गई है कि ये ठगने का उपाय है इसको। हेलो, दो प्रत्याशी आपस में लड़ चुके हैं, मामला थाना तक पहुंच चुका है, तापमान काफी एकदम अपने सबाब पर है, चुनावी तापमान, लोग लड़ने मारने पर भी उतारू हो चुके हैं। नहीं, जहां पर जिसका ग्राफ नहीं रहता वही लड़ता है, उसका ग्राफ मजबूत रहता है वो क्या लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, उसका उद्देश्य है जीतना, उसका उद्देश्य रहता है हराना। लेकिन जिसका तापमान एकदम नहीं के बराबर रहता है वो आपस में लड़ेगा ही इन बातों को लेकर के, तो ये नहीं लड़ा, इस लड़ाई जो है आपका मतों की लड़ाई है, वोट की लड़ाई है, आपस में मारपीट करने का, हाथ चलाने की लड़ाई नहीं है, ये डंडे चलाने की लड़ाई नहीं है, पत्थर चलाने की लड़ाई नहीं है, ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे में पूरे हो मधुपुर प्रखंड के मतदाताओं को सर कुछ संदेश देना चाहिए? तो लोग ये कहेंगे कि भाई आप लोग
जो प्रत्याशी जितने जिला परिषद में खड़े हुए हैं उनको या मुखिया में सबको देखिए, और आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए इस पर मैं जानना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ मैं इतनी कहूंगा कि जो 5 साल आपके लिए बेहतर होगा, 5 साल आपके लिए बेहतर होगा वही काम आप करिए। क्योंकि अभी 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 ज्वलंत एक उदाहरण आया है कि एक जगह कोई मुखिया प्रत्याशी गया वोट मांगने के लिए, तो कहा कि आपने आवास में हमसे 20,000 रुपया लिया था, तो आप हमको भी वोट देने के लिए पैसा दीजिए तो हम आपको वोट देंगे। ये बहुत खराब बात सुनकर लगा कि नहीं साहब, आप आवास में पैसा लेते हैं तब आप आवास दीजिएगा, तो वोटर को आप मजबूर करते हैं पैसा मांगने के लिए। क्या करेगा जब आप आवास लेने के लिए आप उसे 20,000-25,000 रुपये मांगेगा, जाहिर सी बात है जब आप वोट मांगने आइएगा तो पैसा लेगा आपसे, क्यों नहीं लेगा वो? तो करप्शन जो है फैलाने वाले नेता लोग जो है उनको मैं सचेत करना चाहता हूँ कि कम से कम थोड़ा परहेज करिए और प्रजातंत्र को जिंदा रहने दीजिए, ये ठीक बात नहीं है, इतनी गंदगी मत फैलाइए। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर लोग मतदान करें, स्वच्छ रूप से मतदान करें और जो आपके क्षेत्र का समुचित विकास कर सके वैसे प्रत्याशी को ही अपना प्रत्याशी चुने, तभी आपके पंचायती राज मजबूत हो सकती है और आपके क्षेत्र का समुचित विकास हो सकता है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।